नए सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर बैठक में फिर से नहीं हुआ फैसला। कुछ अधिकारियों के नामों पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतराज जताया। आज फिर हो सकती है चयन समिति की बैठक। बिहार में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। सिवान से आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के भतीजे की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी की मौत, दो भागे। जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर यूपी के किसानों का दिल्ली कूच। जंतर मंतर पहुंचे किसान प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी में। चुनाव से पहले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पिटारा खोला। किसानों को कैश और मजदूरों के लिए पेंशन का ऐलान। 2020-21 से 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स में छूट मिलने का अनुमान। अंतरिम बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिका में अंतरिम बजट को संविधान के खिलाफ बताया। विपक्ष ने अंतरिम बजट को नकारा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा अब राफेल, बेरोजगारी और नोटबंदी पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। किसानों को रोजाना 17 रुपए देना बेइज्जती। पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह दोनों की दो दो रैलियां। एशियन कप फुटबॉल में बड़ा उलटफेर। कतर ने पहली बार फाइनल जीता। 4 बार के चैंपियन जापान को 3-1 से हराया। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और आखिरी वनडे कल। वेलिंगटन में 5 साल बाद दोनों टीमें आमने सामने।